पार्टियों में नया जूस देने के लिए क्या कहेंगे? तो पार्टी का संगठन का कार्य है जो निरंतर चल रहा है, अब इसे और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह की परेशानियों से फारिग हो गए हैं और लोगों में जा कर के संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे। अजय जी, कहा जाता है कि एक और एक 11 होते हैं, उसी तरीके से दुष्यंत जी दिग्विजय जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर 10 सीटें जीती, अब क्योंकि आप भी एक कुंभ का हिस्सा उनके साथ जुड़ गया है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे देखते हैं, कितनी ताकत मजबूत हुई है? हमने 10 महीने पहले पैदा हुई पार्टी को 17.5% वोट हरियाणा प्रदेश की जनता ने देने का काम किया, 10 सीटें दी, अब और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे इस 17.5% को 51% में तब्दील करने के लिए। अच्छा जी, नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? क्या उसको हमारे मिलकर लड़ेंगे? चुनाव भी आके मिलकर के लड़ेंगे, जब मिलकर के सरकार चला रहे हैं सिंबल पर लड़ेंगे। हाँ, लगातार जीजीपी पुनवा बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? लगातार जीजीपी पुनवा बढ़ रहा है, पुनवा तो बढ़ना चाहिए, तभी तो कह रहा हूँ 51% पे ले जाने का काम करेंगे इसको। अजय जी, एक और आखिरी सवाल, राम रेमी जी को जो पेरेल दी गई है और पंजाब में जिस तरह की चर्चा है कि भाई चुनाव को देखते हुए ये पेरेल दी गई है, क्या कहेंगे? अब ये तो सरकार का काम है और कैदी का राइट बनता है कि आफ्टर 3 ईयर उसे पैरोल फरलो दी जाती है, सोच समझ करके निर्णय किया गया होगा। कैदी भी कह रहे हैं और जेड सुरक्षा भी दिलवा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब जेड सुरक्षा तो उनकी जब जान को खतरा होगा तो देगी सरकार, कैदी को क्यों दिक्कत है, कैदियों के लिए भी है सुरक्षा का, वो भी आम नागरिक ही हैं।